आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा ये फेस्टिवल को आपको पता ही है? नहीं वही नहीं होते जो आप समझती हैं, रिश्तेदारों को बुला के जुआ खेलना। आप भारत घूम के देखो, आपको पता चले कहाँ कहाँ कितने प्यारे प्यारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं। हाँ। अभी हाल ही में मुझे अरुणाचल प्रदेश जाने का मौका मिला, इतनी खूबसूरती। यार हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कितने खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऑनरेबल सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी हमें दी वहां पे विजिट करने की। आप भी अपनी फैमिली के साथ जाइए, आपको मजा आएगा। इतनी खूबसूरती जो है वो छिपी हुई है हिंदुस्तान में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की। सो ये मेरी फर्स्ट विजिट थी, सो आई होप आप सब लोग भी जब जाएंगे आपको मजा आएगा। बाय ब्रो, बाय 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 बाय। कहाँ जा रहे हो? अरे पूछ तो सही। पूछ कहाँ है? अरे वैसा पहला पूछ नहीं, पूछ तो सही हम लोग किधर जा रहे ले। अरे भाड़ में जाओ, मेरे को क्या। अरे कप्पू हमने आपका क्रीम बिस्किट का क्रीम चाट लिया क्या? इतने तपे हुए क्यों रहते हो हमारे साथ? अरे क्यूट जाड़ी है, चुप ना। एक क्यूट जाड़ी है। एक कप्पू एक खुशखबरी है। असेंबल्ड औरत, तू कैसे सुना सकती खुशखबरी? अरे वैसी खुशखबरी नहीं है रे, ITA अवार्ड हो रहे उधर, हम लोग को बुला ले। तुम दोनों को जनरल वार्ड में नहीं बुलाता, ITA अवार्ड में कैसे बुला लिया? और वैसे भी तू वहां पे जाके तेल लगाएगी लोगों को, डंके की चोट पे तेल लगाएगी। मैं उधर जाके हाँ, क्योंकि तेल लगा के किधर से किधर निकल गई मैं। देखो उधर ऐसा तेल लगाएगी ना, मैं सारे अवार्ड फिसल के हमारे पास ही गिरेंगे, देखना। ये वो तो है। अरे हमारा नॉमिनेशन हुआ है यार वहाँ। अरे तेरे को गैस हुआ होगा, नॉमिनेशन कहाँ होती है यार? हमारा नॉमिनेशन हुआ या गैस हुआ, आपका डकार क्यों निकलता रहता है यार बार बार? ए फाटमैन बकवास बंद करो ना तुम लोग का यार। ऐसा इसमें केला डलवा लेना, चलता है कुछ नहीं। तेरे को मालूम है क्या, उधर बेस्ट एक्टर मेल में मेरे को नॉमिनेट किया उन लोग ने। तू बेस्ट एक्टर मेल कैसे हो सकती है? या तो तू लड़की नहीं है या तो तू एक्टर नहीं है, ये क्या लॉजिक क्या है? मतलब मैं गोविंदा खानदान से हूँ। इससे ज्यादा तेरे को लॉजिक चाहिए क्या? क्या बात करते ही। देखो यार ये सारी बातें करके हम हर हफ्ते सोने का काफी टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है? आज नहीं करेंगे। हाँ। आज यार हम बहुत एक्साइटेड है अर्चना जी, वहाँ पे ना भिन्न भिन्न चैनल के अलग अलग लोग आने वाले हैं। अच्छा। और वो जो डायन का चेहरा देखने के लिए तो हम मर रहे हैं यार, एकदम ऐसा क्लोजअप में देखेंगे डायन, मजा आएगा। तेरे बगल में खड़ी ना, देख आराम से। इसकी बकवास। अरे डायन से बच के रहना, वो बच्चा खाई जाती है मालूम है, तेरा बच्चा खा गई ना यादव यादव रह जाएगा सिर्फ, मैं तेरे को बता रही। ओए बेवकूफो, तुम लोग अवार्ड लेने जा रहे हो, कोई स्पीच तैयार की है तुम लोगों ने? हाँ करिए ना, जैसे मेरे को अवार्ड देंगे मैं से थूक लगा के रोएगी, मैं बोलेगी थैंक यू सोनी साहब मेरे को पैदा करने के लिए। सोनी साहब? तेरे को सोनी साहब ने पैदा किया? जो मेरे को पैसा देता है वही मेरा माई बाप है, समझा? ऐसा ही अपना। और तू क्या स्पीच देगा बच्चा? नहीं नहीं नहीं, हम स्पीच वीच नहीं देंगे यार। हाँ। क्या स्पीच देंगे तो यहाँ पे वो खावा का भूरी तितली, उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। नहीं यार। तो दुभूरी को साथ लेके नहीं जा रहा? नहीं नहीं, भूरी का तो हमने अमृतसर का टिकट कटवा दिया ना। वो कौन सी पंजाब से? हाँ तो जो पंजाब से आए हैं वो तो वापस जाने का नाम ले रहे हैं। सही बात है कपूर। अब किसी को तो भेजे पंजाब यार, पंजाब खाली हो रहा है दोस्त। मैं भी खाली सूटकेस लेके जा रही है, इसमें सब अवार्ड भर के लाएगी, देखना। ओए सुनो मेरी बात, ये सूटकेस तो लेके जा रहे हो? हाँ। होटल से सामान उठा के लाना, नाक कट जाएगी। नहीं तो ना देखे, नाक कटेगी तो चलेगी, बहनी नहीं चाहिए। सही बात। वहाँ पे इंदौर में सर्दी बहुत, ऐसा सुना है हमने। और सिर्फ एक प्रॉब्लम है यार वहाँ पे। क्या? उन्होंने क्या जो अवार्ड शो है ना, वे रात को डिनर के टाइम रख दिया है। हम जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्रेकफास्ट लंच के बीच में अपना अवार्ड कर लो यार, खाने के टाइम डिस्टर्ब नहीं करना भाई। बच्चा इंदौर में ना एक सराफा बाजार है। अच्छा। सारी रात खुला रहता है। हाँ। तेरे को छोड़ देंगे, चढ़ते रहना उधर। चढ़ते रहना क्या होता है? मैं भैंसो व्हाट? अरे नहीं नहीं, तेरे को काय को भैंस बोलेगा रे? क्या यार? भैंस तो सिर्फ एक घंटा चारा चरती है, तो सारा दिन लगा रहता है। देखिए फालतू का बहस करने का कोई मतलब नहीं है, हमें जल्दी निकलना चाहिए, हमारी 10 बजे की भैंस है यार, ये वाली अगर छूट गई ना तो पैदल जाना पड़ेगा इंदौर तक। तुम लोग भैंस पे जा रहे हो? सिर्फ ये भैंस पे जा रहे हैं, मैं बहुत शायनी है, इधर से 10 मिनट में एयरपोर्ट, अच्छा, और वहाँ से एक हफ्ते में पैदल इंदौर। तुम लोग निकलो, मैं 8 तारीख को आता हूँ, फ्लाइट से आता हूँ मैं। क्या तू फ्लाइट से जा रहे उधर? हाँ। मेरे को तो वो लोग बोले उधर हवाई अड्डा है ही नहीं है। मेरे को तो ये भी बोले उधर बस अड्डा भी नहीं है वो लोग। ऐसा बोले? हमारे साथ तो चीटिंग के लिए इन लोग ने। अरे भैंसिया हमारी रेडी है यार, हमको निकलना पड़ेगा यार, नहीं तो ये वाली भी अगर छूट गई ना तो रह जाएंगे यार। चलो चलो चलो, मैं भी चलेगी। चलो चलो चलो, भैंसिया इज रेडी। ओके, उधर आएगा, हम निकलते हैं, आ जाना भाई, एक हफ्ते के बाद मिलते हैं। अर्चना जी, आज हमारे यहाँ पे जो मेहमान आने वाले हैं उनका मैं तो फैन हूँ ही, आप भी फैन हैं, आप सब फैन हैं, बल्कि 4 पीढ़ियां उनकी फैन हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा बॉलीवुड के जंपिंग जैक, द एवरग्रीन सुपरस्टार मिस्टर जितेंद्र और उनके साथ उनके सुपुत्र तुषार कपूर। जीतू सर, तुषार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हैंडसम तो लगते ही हमेशा, हमेशा की तरह आज भी आप बड़े भाई लग रहे हैं तुषार के। थैंक यू फॉर पुलिंग माय लेग। अरे नहीं सर, आई एम नॉट पुलिंग योर लेग सर, लव यू सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां जीतू जी के लिए। सर, बाकी की बातें तो चलो बाद में करेंगे, लेकिन ऐसे अर्चना जी का सवाल था। अच्छा। वो कह रही थी कि जीतू जी जैसे आए, आते ही उनसे पूछना कि आपका वाला चवनप्राश कौन सा है। मतलब हमेशा जब भी देखो खिले खिले। Yes. आपकी डेली रूटीन क्या है, कितने बजे उठते हो आप? खांसी की वजह से पूछ रहे हो? नहीं सर, जेन्युइनली पूछ रहे हैं कि इतने हैंडसम हो आप सुबह कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो सर, रूटीन, ताकि हमारे वी कैन बेनिफिट, फॉलो करें हम भी थोड़ा, हम कुछ फॉलो करें। आज सालों के बाद 9:30 बजे उठा हूँ, नहीं तो 12 बजे उठता हूँ। अच्छा, वाह। मुझे तुषार ने रात को मैसेज किया, 12 o'clock रोल। अच्छा। 11 o'clock यू मस्ट लिव। मैं इतना डर के मारे आधी रात सोया ही नहीं। जीतू जी, हमें बोला गया था कि 12 बजे रोल है, तो हमने सोचा कि जीतू जी हमेशा बहुत जल्दी उठते होंगे, तो इसीलिए जैसे अक्षय कुमार 4 बजे उठ जाता है, हमने सोचा आप भी बहुत जल्दी। अक्षय कुमार 4 बजे इसलिए उठता है, दिन भर उसके पास काम है। मैं जल्दी उठ के करूंगा क्या? So sweet। जीतू सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, अब तो आप दादा भी बन गए, नाना भी बन गए। मैं हाँ, आई टेल यू, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया जी, मुझे याद नहीं मैं कभी तुषार के स्कूल में पेरेंट्स डे पे गया हूँ। अच्छा। या एकता के स्कूल में गया हूँ, बट वॉट एवर आई एम डूइंग नाउ विद माई चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन राधा जी, आई डोंट एवर रिमेम्बर मैंने कभी मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया है। आई कांट, I promise you, I can't thank God, and I can't thank Ekta and Tushar. What they have given me is the joyous thing of my life. So nothing can give me more joy. अच्छा, हमारे हिंदुस्तान ने कभी इतने हैंडसम नाना और दादा कभी नहीं देखे होंगे, है ना? अच्छा, ऐसे दादा नाना हो ना हैंडसम से, बच्चे उनपे सुसु भी नहीं करते। वो फिर हम जैसे जब उठाते तो हमसे बदला लेते कि तूने क्यों उठाया। My biggest joy with his son, हालांकि इसके जैसा father मैंने देखा नहीं जी, but my glorious moment is when I ask his son, who do you love more, दादा और पापा? He says दादा। मैं जितना भी time देता हूँ, वो शायद वो मुझे दाद देता होगा कि बुड्ढे को बुरा ना लगे। तुषार, अब आप पापा भी हैं, मामा भी हैं, ज्यादा परेशान कौन करता है, आपका बेटा या भांजा? मेरा भांजा तो बहुत छोटा है। अच्छा। 10-11 महीने का है, तो बेटा ही परेशान करता है। कल ही मतलब स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आए उसके। अच्छा। जो मेरे कभी 12 साल में कभी आए नहीं कंप्लेंट्स, उसके अभी नर्सरी में शुरू हो गए हैं। किस तरीके की कंप्लेंट्स आती? 3 साल का बच्चा क्या करता होगा? पता नहीं क्या है कि आधा जो स्कूल डे है, आधा डे तो मतलब सब सुनता है, ये करना है, असेंबली प्रैक्टिस करनी है, स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस करनी है, वो सब हाँ। करता है। बाकी जो आधा दिन है वो क्लास के बाहर, उसको क्लास के अंदर आना नहीं है। नो मूड चेंज हो जाता है उसका। नहीं अच्छा, आजकल के बच्चे क्लियर है उनको क्या करना है क्या नहीं। 3 साल की उम्र में बताया। हम तो जबरदस्ती कई सब्जेक्ट पढ़ते रहे आप, मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे। तुझे नहीं समझ। फिर उसके बाद 12वीं क्लास जब हो गई हाँ। टीचर ने मुझे हाथ जोड़ के विदा किया, मुझे बकायदा उन्होंने। नहीं होता है, आपको नहीं इंटरेस्ट होता तो नहीं होता। हमारे जमाने के बच्चे बहुत शाय हुआ करते थे। आई वॉज वेरी शाय, ही वॉज वेरी शाय, बट माई सन इज नॉट शाय। इसका क्या रीजन लगता है आपको तुषार भाई? आई थिंक हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग बाहर ले जाते हैं इनको, मतलब इनकी सोशल लाइफ बहुत स्ट्रांग है, हमसे ज्यादा उनको बुलाया जाता है बर्थडे पार्टीज पे एक्चुअली। तो इतना एक्सपोजर हमें शायद मिलता नहीं था उस जमाने में जब हम आप तो फिर भी मुंबई में पले बड़े। हमारा सोचो, हमारे वक्त तो सिर्फ गणपति होता था, मैं तो चाल में रहता था ना। तो जितने भी मेरे फादर के फ्रेंड्स के बच्चे खोली में रहते थे तो वो आके इंग्लिश में बात करे, हमने कभी इंग्लिश, हम मराठी बात करते थे घर में। अच्छा, तो वो इंग्लिश में बात करे। जब वो जाए तो माय फादर इज टू स्कोल्ड मी, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, बात नहीं करते, सब लोग घर में अभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हालत खराब। तो मैं अपनी बहन के पास, गिव मी दैट बुक। हमारा इसीलिए हमने कोई इंग्लिश वाला रिश्तेदार रखा ही नहीं जीतू जी हमारे ना। मतलब आप सोचो, मेरी खानदान में हाईएस्ट इंग्लिश मेरी है। तो बाकी आप सोच लो जीतू जी, आप फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से हैं तकरीबन, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया जीतू जी? पहले तो हम एसी के स्टूडियो होते नहीं थे जी, तो जाके स्टूडियो में गए, फैन ऑन, तो फैन ऑन होता था ठाड़। आजकल कोई फैन ही नहीं ऑन करता, सबके बाल ढके हुए हैं स्प्रे ब्रे मार के। मैंने किसी को ब्रश करते हुए नहीं देखा सेट पे। वो बाल वाला आता है, एक बाल इधर उधर कुछ करके जाए। हाँ, तभी इतने मेरे को बाल आता, पहले तो पसीने से तर बतर, चिपका चिपका के, मेकअप रहता भी नहीं था, बाल कंगी कर कर के, ब्रश मार मार के। अभी जो भी देखो ऐसे सुबह जो बन के आए थे। तो उस समय जिम वगैरह भी नहीं होते थे, तो सब फिटनेस का कैसे ध्यान रखते थे? आप तो हमेशा से फिट रहे हैं। नहीं देखिए, व्हेन यू आर यंग तो मोटापा सजता है। मोटापा मतलब ये नहीं कि जाड़ा, एक क्यूटनेस होती है जी। मैं जब तक कारवां वारवां थी ना जी, तो उन पिक्चरों में आई यूज्ड टू बी, से वेट वाइज बताता हूँ, 82-83। अच्छा जी। उसके बाद जब मैं परिचय जब पिक्चर कर रहा था जी, तब थोड़ा एहसास किसी ने दिलाया कि यू मस्ट रिड्यूस। ओके, तो थोड़ा रिड्यूस किया, तो आई केम टू 74 के पास आ गया था। अच्छा जी। बट ऐसा किसी को एहसास नहीं था। हमारे ज़माने में सुबह किसी के रूम में जाओ, चटनी, सोडे की बोतलें। आजकल के एक्टरों की यार डम्बल्स। सो वी वर नॉट वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट मेरे हिसाब से One should look healthy, nice. So very good. बहुत अच्छी बॉडी बनाने का मतलब नहीं, because we are not body builders, we are actors. Actors. True. पर कपिल का भी मैं देखता हूँ, यूं होता रहता, यूं। मैं सर एक बार कम कर लेता हूँ, जैसे होता ना कि नहीं। बट मैं जब भी इसका, आई एम ardent fan of his. I love this show a lot. Thank you sir. और मेरा ध्यान इस पे ही रहता है, और मैं देखता हूँ कि ये इसको अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रही है, फिर 2-3 एपिसोड के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। That means he's very conscious. Conscious. Yeah, but today youngsters, they are remarkable. My inspiration actually, and मैंने कभी वेट्स नहीं किए, इसको देखता हूँ, ऋतिक को देखता हूँ, और फिर मैं वो अभी टाइगर को, वो तो कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। मोदी जी का है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। टाइगर है तो मुमकिन नहीं है। टाइगर को देखता हूँ तो मुमकिन नहीं है। these boys today are so dedicated. मैं ईमानदार की बात बताऊं, मेरे को आज तक याद नहीं, मेरे को एक दिन पहले कभी लाइन्स आई हूँ सेट पे जाके क्या बोलना है बोलना, क्या सीन है, मतलब I was never prepared. लोग कहते हैं कि मैं अपने टैलेंट को आजमाने के लिए, अपनी हसरत पूरी करने के लिए, मैंने तो सिर्फ एक चीज के लिए काम किया, पैसा कमाने के लिए. जी आप अमृतसर में भी रहे हो ना बचपन में? नहीं, मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ. अच्छा जी. पर मेरी माँ डिलीवरी करने गई थी, वहाँ से फिर 15 दिन कहूँगा मुंबई में ही आया, मुंबई में पला बड़ा. हमारे घर में सब मराठी बोलते थे. अच्छा जी. एंड एक्चुअली स्पीकिंग मैं एक्टर भी इसीलिए, वरना एजुकेशन नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, करूँ तो क्या करूँ. तो जूनियर आर्टिस्ट वी शांताराम जी क्या जी, तो उनकी नज़र इसलिए पड़ी कि मैं मराठी बहुत अच्छी बोलता हूँ. अच्छा जी. आई गॉट नोटिस्ड बिकॉज पंजाबी बॉय स्पीकिंग मराठी सो फ्लुएंटली. अच्छा, एक दौर आया था ना जीतू जी बीच में कि बदले के ऊपर बड़ी फिल्में बनती थी. हाँ, बदले की आग. हाँ, बदला ले लूंगा. क्लियर होता था कि हीरोइन के साथ किसी ने गलत कर दिया, हीरो बदला लेगा. बाप को मार दिया, बेटा बदला लेगा. हीरो को कहीं किसी ने फंसा दिया, बदला लेगा. तो जीतू जी ऐसे दौर में जब आपके पास फिल्में आती थी, आप स्क्रिप्ट सुनते थे कि आप खाली पूछते थे कि किससे बदला लेना है? मैंने तकरीबन 10 साल जी, एक दौर ऐसा आया कि मुझे वो तेलुगु पिक्चर दिखाते थे. अच्छा जी. तो मुझे मालूम था करना क्या है. अच्छा. तेलुगु टू हिंदी बनती थी. अच्छा. आई लिव्ड इन मद्रास, दैट्स द टाइम व्हेन दे वर ग्रोइंग अप. आई डिडंट सी देम, दैट्स हाउ इट वाज, बिकॉज आई वाज इन मद्रास नियरली 25-26 डेज अ मंथ. मुझे मेरे पापा बताते थे, कहते जीतू जी ने इतना काम किया साउथ में कि हर दूसरे दिन साउथ जाना पड़ता था फ्लाइट में. तो जो एयर होस्टेस होती थी ना, उनकी अनाउंसमेंट भी ऐसी होती थी कि इस विमान में टोटल 4 द्वार हैं, 2 जीतू जी के लिए, बाकी आप देख लो. जीतू जी वहाँ मतलब इतनी आपने साउथ की फिल्में कैसे की, मतलब वहाँ का हवा पानी पसंद था कि वहाँ का खर्चा पानी अच्छा था? I mean... बात ये थी कि वहाँ पे 35-40 दिन में फिल्में बन जाती थी. अच्छा जी. दिन में इतना शेड्यूल बनाना है वो फिक्स था. ओके. सुबह शुरू हुआ, शाम तक काफी काम निकल जाता था. वो सोचना कुछ नहीं है ना, वो जो बना हुआ है उसको कॉपी करना है. हाँ. तुषार, जब आप छोटे थे तो जीतू सर की फिल्में देखते थे टीवी पे, तो आप सोचते नहीं थे कि यार मम्मी तो घर पे, पापा किसके साथ डांस कर रहे हैं? मतलब इतनी फिल्में की है इन्होंने, इतनी फिल्में हमने देखी है बचपन में कि हम इतने यूज्ड टू हो गए थे कि ये इनका काम है, ये स्टोरी है. और इनफैक्ट हम इतने अटैच हो जाते थे कि हाँ ये इनकी रेगुलर हीरोइन है, विद हेमा जी और विद रेखा जी और विद श्रीदेवी जी और विद जया प्रदा जी. तो इट वी सो यूज्ड टू इट कि आई रिमेंबर 83 में जब सडनली मैं इनकी डबिंग के लिए गया, एंड आई सॉ दिस न्यू फेस इन हिम्मतवाला. अच्छा. आई वाज सो अपसेट. वो एक जर्क था कि व्हाई यू वर्किंग विद हर, हु शी. सेटअप एक दिमाग में हो गया था कि एक मम्मी हमारे घर पे 3-4 में जो टीवी पे आती हैं वैसा ही है. जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जया प्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था. क्या बात कर, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं नहीं. उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता. मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जया प्रदा और मैं ब्रेड एंड बटर. अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो. तो तुषार, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता ना तो मम्मी कभी कभी बोलती है अंकल को पोएम बोल के सुनाओ, तो आपको भी ऐसे सेम ही पोएम सुनानी पड़ती थी कि मम्मी बोलती थी कि चाचा को बेटा ताकी ताकी करके दिखाओ, तोहफा तोहफा. आई वॉज वेरी शाय एज अ किड. तो आई थिंक एकता आके, मतलब अनिल जी अगर घर पे आए तो माय नेम, मतलब शी इज टू इमिटेट हिम. अगर गोविंदा जी घर पे आए तो उनको इमिटेट करती थी. अच्छा. एकता को मतलब नाटक वाटक में काम करने का शौक. नाटक मतलब जो बिल्डिंग में. अच्छा, जब आफ्टर बिल्डिंग प्ले, मैं एक दिन टेरेस पे गया तो इनके ड्रामे की रिहर्सल हो रही है, तो मूछ मूछ लगा के एकता लेटी हुई है, शी वाज वेरी फैट, पेट ऐसा, सांस ले रही है, रावण गिर गया, बोल रही है पापा रावण. जीतू जी, इससे ज़्यादा मुश्किल कौन था पालना, तुषार को कि एकता को? ये तो सीधा साधा था, वो बहुत डांटी थी। अच्छा। मुझे बचपन से ही, पहले तो मैं हर साल एक महीने की छुट्टी, मतलब इनको दोनों को कहीं बाहर लेके जाता था। अच्छा जी। और मेरा पहला काम ये होता था कि एयरपोर्ट पे कोई बच्चा मेरा ऑटोग्राफ लेने आया तो मुझे पहले भागना है। अच्छा। तो ये देखती रहती थी, यू वांट टू गिव ऑटोग्राफ? अच्छा, यू वांट टू गिव ऑटोग्राफ? वेरी पोजेसिव कि मेरे पापा मैं ऑटोग्राफ ले लूंगी किसी का। अब वो जिम्बाब्वे गए तो एयरपोर्ट पे बहुत सारी लड़कियां आई। अच्छा। जूता लेके मार रही है सबको पकड़ के। एक बार तुषार, हमने एक और किस्सा सुना आपका कि आप और एकता की झगड़ा हो गया और एकता ने पुलिस बुला ली थी। आपने नाम पे मुक्का मार दिया था। झगड़ा बहुत करते थे और हमारा जो नेचर था उसके विपरीत मैंने बहुत मारा एकता को। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत मारा है बिकॉज यू नो मेरा नेचर बहुत पेशेंट है। और जब वो मतलब पेशेंस जब टूट जाता है तो मतलब इतना उकसा देती थी आप या मतलब। हाँ, पर ये सही बात है, एकता ने पुलिस बुला ली थी एक बार। हाँ, मैंने पंच मारा था एकता को नोज में। तो आई थिंक हम लोग तिरुपति मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम तो मैं इसको मारूं एक्चुअली। तो हम लोग तिरुपति गए थे साथ में, तो वहाँ नीचे होटल में रह रहे थे। तो आर्ग्यूमेंट बहुत छोटी छोटी बातों पे होती थी कि क्या टाइम पे हम ऊपर जाएंगे दर्शन के लिए, सुबह का लेंगे या शाम का लेंगे, या कभी कभी गाड़ी में कौन सा कैसेट प्ले करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा होते थे। तो मैंने जोर से मार दिया। She called the reception, said police, मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा नाक तोड़ दिया। तो इसके सारे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने एकता को मतलब सब बात को मतलब थमा दिया। बट she actually called the police and said that मेरा नाक तोड़ दिया। तो कुछ हुआ नहीं उसके बाद, थैंकफुली। जीतू जी बहुत शौक में, ऐसा होता था मुझे पता नहीं। I didn't know, but देखिए मैं एकता को हमेशा सपोर्ट इसलिए करता था because she's a girl, as a man, as a father. You have to support the girl for more. जी, बिल्कुल सही कहा जीतू जी ने। हमारे घर में भी जीतू जी, मेरी सबसे छोटी बहन है, तो मेरे पापा सुबह उसको स्कूल जाने के लिए उठाते थे ना, पहले उसके पैर दबाने, पूरा उसको पैम्पर करना। वो सोते सोते पहले तो दूध पीती थी गिलास उठ के, और हमें उठाते थे, ये भी नहीं देते थे मुंह किस तरफ, चलो कोई इस तरफ मुँह करके सो रहा है या इस तरफ, वो कोई लेना देना नहीं था हमको। जीतू जी, कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, तो हम लोग सामने से कंफर्म करते हैं। सर, एक अफवाह ये है कि इसरो ने इतनी मिसाइल लॉन्च नहीं की जिससे ज़्यादा आपने साउथ की हीरोइन जो है बॉलीवुड में लॉन्च की हैं। नहीं, लॉन्च मैंने कभी नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ क्या है जी। एक दिन रेखा मुझे बहुत छेड़ रही थी। अच्छा। मुझे रवि बुलाती मेरे नाम से। अच्छा जी। और रव्या वो श्रीदेवी की एक तेलुगु पिक्चर देख रहे थे। अच्छा। तो इसके साथ काम करना, तो इसके साथ काम करना। अच्छा। तो पता नहीं क्या मूड आया, तो राघवेंद्र राव ने जब उसका नाम बोला, श्रीदेवी हालांकि पहली पिक्चर में आके पिक्चर चली नहीं थी उसकी, अमोल पालेकर के साथ। तो जिस हीरोइन की पिक्चर ना चली हो उसको लोग हिचकिचाते हैं लेने में। राइट। और वो पिक्चर तेलुगु में, हिम्मतवाला तेलुगु में जया प्रदा ने की थी। अच्छा। तो मतलब डेंजर दोनों तरफ था। पर चूंकि ये तब चिढ़ा रही थी मेरे को बहुत, तो मैंने राघवेंद्र को बोला इतना करते हैं इसके साथ। अच्छा। दैट्स हाउ श्रीदेवी केम इनटू हिम्मतवाला। मैंने लॉन्च। जितनी ये अफवाह ये है कि धर्मवीर फिल्म देख के तुषार बहुत जिद करते थे कि मुझे पापा की तरफ घोड़े पे बैठना है, और आपको फिर इनको चुप कराने के लिए घोड़ा बनना पड़ता था। आपको तो याद नहीं होगा, पर ऐसे करते थे ये जिद। धर्मवीर देखी तो बहुत बार है, लेकिन ये किस्सा याद नहीं है। बट हाँ, हम लोग फिल्मों को देखकर हम चाहते थे कि रियल लाइफ में वैसा ही हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स होते थे तो मतलब हेलीकॉप्टर लेकर आओ। अच्छा। तो बच्चे करते हैं ऐसा, सो कुड बी ट्रू, पर मुझे याद नहीं। मेरे को बचपन में बड़ा होकर डाकू बनना था। मेरे को लगता था कि ये जॉब होती है कोई, कहीं से तो बनते होंगे, फॉर्म वगैरह भरते होंगे। मैं हर साल मंगल सिंह डाकू बनके प्राइज जीता मैंने। डाकू वाला चक्कर है ना, मैं डाकू बनूंगा घोड़े पे, आपको असलियत बताता हूँ, जितने भी चंबल के डाकू कभी किसी के घोड़े पे बैठे ही नहीं। एक्चुअली वो सर भागते थे। अच्छा। ऑन फुट। हाँ, और पुलिस की वर्दी पहन के। पहले जीतू जी, मेरे आप ही की फिल्म का एक किस्सा था, आप कहीं बाहर आउटडोर में डांस कर रहे थे और मैं तार पकड़ के मरोड़ रहा था उसको, कि देखता हूँ कि अगर इसको मरोड़ता हूँ तो डांस रुकता है कि नहीं, तो मरोड़ के देखते थे ऐसे ही। तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपका पेट थोड़ा अपसेट रहता था, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आप ठुसकी मारते थे तो इसलिए घर वालों ने आपका निकनेम तुस्की रख दिया. Is it true? ये आपने बनाया जीतू जी. एक अफवाह ये कि आप जहाँ भी जाते हैं अपनी वेट मशीन साथ में लेके जाते हैं, वेट और आप अपना तोलते रहते हैं. ये मुझे हमेशा मनिया रहा है जब से मैंने वेट कॉन्शियस हुआ हूँ. अच्छा जी. खाना खाने के बाद सुबह उठने के बाद आफ्टर गोइंग टू द लू बिफोर लू क्या मेरा वेट है, बहुत कॉन्शियस रहता हूँ. अच्छी बात है. एक तो देखो लाइट कपड़ों में आदमी मैक्सिमम दिखता है जी. सब वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनो तो आदमी बड़ा लगता है. अच्छा जी. तो लोग डार्क काले कपड़े पहनते हैं ताकि स्लिम रखें. So I made it a point to wear white shoes, white pant, white shirt. Oh. That's how it started. So ऐसे wow. famous जीतू जी look पैदा हुआ. तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि छिपकली से डरा के एकता आपसे अपना होमवर्क करा लेती थी. छिपकली से अभी भी डर लगता है मुझे. अभी भी डर लगता है. थोड़ा घिन आती है whatever. लेकिन अपना होमवर्क कराती थी. बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होमवर्क करती नहीं थी. मैं शायद मैं करूँ उसके लिए या वो करे, वो कभी करती नहीं थी. आई वाज अ लेट कमर्स प्रीफेक्ट इन स्कूल. कि मतलब लेट कमर्स का जो मॉनिटर होता है कि लेट जो आते हैं सुबह असेंबली के टाइम पे उनको बाहर खड़ा करना पड़ता था. बट आई वाज लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ हर. सो आई वजह से एकता का 3 मंत्र थे लाइफ में. अच्छा. ईटिंग ईटिंग एंड ईटिंग. How could you say that about me on the show? जीतू, ये कफा ये कि स्ट्रगल के दिनों में आपने एक बार हीरोइन का बॉडी डबल भी रोल किया था. वो क्या किस्सा था? वो आप सोचिए ना. अभी मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ सेरा पिक्चर में. अच्छा. और शांताराम जी की चमचागिरी करनी है, कुछ भी करने को रेडी हूँ. तो डुप्लीकेट नहीं मिल रहा था बीकानेर में. कैन यू बिलीव, मैंने संध्या जी का डुप्लीकेट किया और पूरा वो ड्रेस उस जमाने में तो दे. और शांताराम जी तो बड़े ऑथेंटिक फिल्म मेकर थे ना, तो ऑथेंटिक बनाया ना सब. तुषार, एक अफवाह ये है कि बचपन में चुपके से आप पापा की बोतल से ड्रिंक निकाल के पी जाते थे. व्हाट? चुपके से नहीं, मैं उनको पूछ के ले लेता. और पकड़े जाने पे आप बोल देते थे कि मुझे लगा ये काला खट्टा है. ये बात सही है? आई थिंक जब वो ड्रिंक लेते थे तो मैं एक सिप लेता था इनसे. अच्छा. शायद इसलिए मुझे विस्की से नफरत है अभी. अच्छा. बहुत कड़वी लगी, बट नहीं, कभी चुरा के नहीं पी. नहीं. कैसे हो सब? कप्पू आ गया ना, मैं पुत्र में गखी पाला आया नहीं मेरा पुत्र. जीतू जी, ओए खुद आ गए. जीतू जी क्या हाल है आपका? यार मैं कह रही थी तो जीतू जी आए, मैं अच्छी वाली मैक्सी पहन के आती. बैठो बाजी बैठो. तुषु आजा, कस के बुआ के पैर हाथ लगा ले, मेरा पुत्र आशीर्वाद ले ले. आए मेरा बच्चा, बैठा बैठा पुत्र है, कितना बड़ा हो गया. 1 मिनट, वो अपनी एकू नहीं आई? एकू बेटी किधर है? एकता बिजी है तुम्हारी तरफ. थोड़ी देर मैक्सी पहन के पीछे बैठी रहती है. जब दिल करता है मुंह उठा के आ जाती हो. अच्छा, बिजी है वो. मुझे पता है एकू जीके की तैयारी कर रही होगी. जीके की तैयारी क्यों कर रही है? प्रोडक्शन हाउस है उनका, बना रही होंगी फिल्में. एग्जाम थोड़ी कह रही हूँ. जीके जीके यानी कि मतलब घरेलू कलेश. वो प्लान बना रही होगी कौन सी बहू से कौन सी सास का जूड़ा नोचवाए, कौन सी देवरानी से कौन सी जेठानी को पिटवाए. मैं भी घर में बैठे बैठे ना ऐसे बेफजूल में ऊंची सी आइडिया लेती हूँ फूफा जी को मारने के. है तुषु, कम बुआ चलाक है ना मेरा. तुषु क्या आता है बुआ? तुषार कपूर नाम है उनका. तेरे लिए होगा तुषार, मेरे लिए तो मेरा बच्चा तुषु ही है. मुझे आज भी याद है जीतू भाजी, इतना सा हुआ करता था, शोभा बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी. टांगे मारता था बुआ के ऐसे. अर्चना बहन जी, इसकी आदत थी सीटी सुने बिना सुसु करता ही नहीं था. आज अच्छी कह रही सीटी मैंने क्या कहा, सीटी सुने बिना नहीं करता था। अर्चना बहन जी मैंने एक बार कुकर में राजमा तरे गैस पे, इतनी राजमा ने सीटियां मारी उतना ही सुसु किया। वाह क्या बोल रही, सामने जीतू जी बैठे, तू क्या बोल? तभी भी जीतू जी बैठे होते थे सामने। मैं तुष्शु के लिए सीटियां बजाती थी, ये मेरे लिए सीटियां हो जाते थे। मैं सच्ची कहती हूँ, जीतू जी भी बड़े चलाक थे। इस बेबी के चक्कर में मुझे बेबी शोना कह देते थे। हाय हाय मैंने क्या बोल दिया, कहीं एकता ने सुन लिया तो उसने सीरियल बना लेना है। कसौटी सुसु की। बुआ कब से आगे गप्पे मारी जा रही, जीतू जी तेरी तरफ देख भी नहीं रहे। हाँ तो क्या हुआ, उन्होंने जवानी में बहुत देखा इसीलिए अभी नहीं देख रहे। सच्ची कह रही हूँ, इतने रंगीले होते थे ना। दिल्ली करोल बाग वो पार्क जहाँ पे शाम को जाते थे आप, आए चाकू लेके जाते थे। क्यों? पेड़ कुर्च कुर्च के उन्होंने दिल बनाया था, उस पे वो छोटा सा तीर। जीतू जी वो तीर अब तीर नहीं रहा, भाला बन गया। भाला भाला भाला। हुआ अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वो तो ज्यादा तो उस दिन हो गया था। मजा ही आ गया था उस दिन, बारिश हो रही थी तुष्यु पुत्र, हम दोनों छाता एक। फिर क्या, कितने अच्छे इन्होंने मुझे अपना छाता दे दिया, ये पूरे भीग गए। ओए ओए मैंने जिंदगी में पहली बार भीगे हुए जीतू जी देखे, मजा ही आ गया। सच्ची कहूँ 2 टॉम क्रूज 3 विन डीजल मिक्स कर दो ना, फिर भी भीगे हुए जीतू जी का मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल कंट्रोल तो उस दिन जीतू जी ने कर लिया था। ओए ओए बात यूं थी कि इनकी अपनी शादी पे ना मंडप पे सजे तजे तैयार खड़े थे कि कब कम्मो आए और इनका रिश्ता तुड़वाए। मैं भी तैयार होके बैकलेस नेकलेस के साथ वहां पे पहुंच गई। ओए ओए बस जैसे ही पहुंची चाट वाले ने चाट खोल दी। इतनी टेस्टी चाट, मैं चाट खाने लगी तुष्यु पुत्र। बस फिर खाने खाने के चक्कर में जीतू शोभा का हो गया और वो चाट वाला तेरा फुफा हो गया। चाट ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो एक बात बता, इतना झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत वाला से। तेरे को कहा तो है वो वाली बात, 2 जाने 1 छाता बारिश। जीतू जी आपको याद है? ओए होए मैं भीगी हुई खाली पेट कप आ रही थी, इन्होंने बैंगन पकड़ा, सीख डाली बैंगन पे और आग में भूनने लग गए। आय हाय अर्चना जी वो जो आग में बैंगन भून रहे थे उसकी तड़ 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 की आवाज। तुष्यु पुत्र उसकी जो तड़ तड़ की आवाज थी ना, आज भी मेरे कानों में गूंजती है, तड़ 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 तड़। हाय 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 बुरा मत मानना, हमारी बुआ ना है ही 1 नंबर की झूठी है। ये कम्मों का रिकॉर्ड है, दिल्ली में गली गली में पूछते, झूठ नहीं कभी बोलती। अगर नहीं यकीन होता ना तुष्यु पुत्र, जीतू बाजी थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। 1 मिनट अर्चना। हाँ। पैसे सोच समझ के खर्चना। 70 एपिसोड हो गए हैं, सिद्धू जी कभी भी आ सकते हैं। वाह वाह कैसा लगा आपको? वाह आपके बोलने से पहले ही वाह वाह कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले सबको आशीर्वाद देना चाहूंगा। हाँ। अर्चना जी जीतू रहो बेटा। कपिल जीतू रहो बेटा। समझ में नहीं आ रहा इनको क्या बोलूं अभी। जीतू जी नकली जीतू जी की तरफ से आप भी जीतू रहो बेटा। और तुषार ओए आयो ये इसका मतलब रोहित शेट्टी से पूछ लेना, वो सही बताएगा। 1 मिनट मैं इधर आ सकता हूँ? अच्छा इफ यू डोंट माइंड। बुआ ये तो नकली जीतू जी आ गए। ओ कपू पता नहीं मर्द के 2 चेहरे होते हैं, शादीशुदा जीतू जी, कुंवारे जीतू जी। ठीक है ना जीतू जी? क्या बात है क्या बात है। हट मुझे अभी 150-150 रुपया चाहिए। 150 किस बात का? ये जो तोहफा दिया है मुझे उसका पैसा चाहिए। जीतू जी, आप आते ही पैसे वैसे की बातें करने लग गए। अपनी कम्मों से तो मिलो। ये मिल जैसी दिखने वाली औरत से कौन मिलेगा पहले ये बताओ। जाओ यार, ये देखा जीतू जी कितने मजाकी हैं। तुषु पुत्र, पापा और मेरी जोड़ी क्या कूल है अब। कूल नहीं, कुआं है तू, कुआं। जीतू रो, क्या हो गया आपको? कैसी बातें करो? याद करो जीतू जी, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। खाना मुझे याद है, मुझे याद है। मुझे तब एकता ने कहा था 10 गरीबों को खाना खिलाते तो अभी 10-10 लोग मैं कहाँ जाके ढूंढूं? तो मैंने इसी को खिला दिया। एक मिनट, मेरा फोन आया। हेलो, हाँ एकता, क्या चेक बाउंस हो गया? अरे यार, मैंने पहले ही कहा था स्प्रिंग वाले सोफे पे चेक मत रखा करो, वो बाउंस ही होगा। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हमारे पैसों में उछाल तो आया। आई एम वेरी हैप्पी। ओके बेटा, जीतू रहो। एक मिनट, अपनी एकता का फोन है। अपनी क्या होता है बे? तुम हद में रहो, अपनी अपनी क्या लगा रहे हो? यार ये क्या बात कर रहे हो? ये बहुत मस्ती करते थे। याद करो आपने वो नागिन पिक्चर में रीना रॉय की जगह मेरे को रेफर किया था। हाँ बिल्कुल, रेफर तो किया था। सही बात, क्योंकि रीना रॉय अच्छा सांप नहीं बन रही थी, मैंने किया। मैं क्या लेकिन वहाँ ऐसे करके सांप ने भालू लग रही थी, भालू। ये तो बोल रही थी जीतू जी मेरे लिए सीटियाँ बजाते थे ये। हाँ। इस भोपू के लिए कौन सीटियाँ बजाएगा? बकवास। मेरा बेटा है यहाँ पे तुषार, तूने वो फिल्म की थी शूट आउट एट वडाला, आज इसका शूट आउट एट गोरेगांव कर दे फिल्म सिटी में, मैं तो बोलता हूँ। हाँ एकता, जीतू रो, क्या चैनल में बैठी हो? सीरियल का आइडिया चाहिए? कोई बात नहीं, मेरे पास एक कैरेक्टर का आइडिया है। मेरा एक औरत है एकदम मलिंगा जैसी दिखने वाली। ओके बेटा, जीतू रहो। जाओ जीतू जी, आप सारा कुछ भूल गए, मैं कितना प्यार करती थी। जीतू जी ने एक बार मुझे कहा कि मुझे कमल का फूल चाहिए। अर्चना पेंजी ने मैंने आओ देखा ताओ, मैं कीचड़ में घुस गई फूल लाने के लिए। हाँ। बाद में लोग कहते वो देखो गई भैंस पानी में। जीतू जी ये क्या बात हुई यार, मेरा दिल तोड़ी जा रहा है। जीतू जी कुछ भी कर लो। याद आ रहा था, मैं वो भी भूल गया यार। क्या यार तुम गुस्सा दिला दिया। हाँ एकता, जीतू रहो, मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया है। तुम एक काम करो, तुम चैनल वालों पे गुस्सा निकालो, मैं आकर अभी चैनल वालों को पीटूंगा। मैं मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ। जीतू जी मेरी बात तो, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपको याद दिलाती हूँ। एक मिनट जीतू जी, मैं जा रहा हूँ, जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सपना ब्यूटी पार्लर है, आप जानते हैं। सपना आती है, मस्त मसाज करती है, तो आपके लिए एक मसाज है मेरे पास में। मसाज है हिम्मत वाला मसाज। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, खौलता हुआ तेल लेकर आते हैं। हाँ। अगर हिम्मत वाला होता है तो मसाज करवा लेता है, नहीं तो चला जाता है। लगता आपको याद आ गया। जीतू जी अपने सामने 30 साल पुराने जीतू जी देख के कैसे लगा? I tell you, you are remarkable, really remarkable, both of you. Thank you sir. और जीतू जी जय प्रदा से भी हॉट जय प्रदा देख के कैसा लगा आपको? You are the hottest. Hottest कह दिया, इसका मतलब शरेआम कह रहे जफी वाला। आओ जीतू जी जफी वाली है। अरे आज भी वही जोश है। अरे मेरा बच्चा, चल पुत्र चल, आओ अंदर आओ। अरे आजा आजा आओ आजा आजा मेरे चला मजा। अर्चना जी एक ना किस्सा है प्रेम चोपड़ा साहब का, जीतू जी आपने हमें सुनाया था, वो जो प्रेम चोपड़ा साहब को सांपों से डर लगता था। ऐसा था कि प्रेम चोपड़ा के बस काम नहीं था। अच्छा। उसको पिक्चर चाहिए थी। हाँ। तो इसके पास एक पंजाबी प्रोड्यूसर गया। हाँ। पिक्चर का नाम था सपनी, जिसमें उसको सांप के रूप में आना है और सांप के साथ खेलता है हाँ। और सांप के नाम से मतलब आपने सांप का नाम गोरेगांव पे लिया तो बांद्रा में मिलेगा इतना डरता था। अच्छा तो उसने बोला जो सांप के साथ वाला काम है वो मैं बाद में करूँगा, पहले ये कर लिए हाँ। तो 10-12 दिन शूटिंग हो गई हाँ। जब प्रोड्यूसर आया अभी हूँ सांप के साथ काम है हूँ हाँ। तो ही बैकड आउट, बोला मैं तो सांप के साथ काम नहीं कर सकता। अच्छा अब प्रोड्यूसर फंसा हुआ था फिर उन्होंने सब डुप्लीकेट से काम करना पड़ा सांप के साथ सर एक और भी तो था जब आप कह रहे थे कि मैं और प्रेम चोपड़ा साहब दोनों के पास उस समय फिल्म नहीं थी, जब घर से निकलते थे फास्ट। नहीं वो ऐसा है कि उषा सदन एक बिल्डिंग है हाँ। जिसके 3 विंग है, A, B और C हाँ। मैं C विंग में, प्रेम चोपड़ा A विंग में, और दोनों के पास कार इंस्टॉलमेंट पे ली हुई थी उस जमाने में इंस्टॉलमेंट में तो और महीने में 32 दिन दोनों बेकार और और आलम यह था कि जैसे हम एक दूसरे को देखे बिल्डिंग में हाँ। तो फटाफट गाड़ी में बैठे जैसे बहुत जल्दी जाना है, बहुत काम पे जा रहे हैं कट टू फेमस स्टूडियो हाँ। जब प्रोड्यूसरों के ऑफिस है वहाँ हाँ। चक्कर काट रहे हैं फिर उसने मुझे बोला यार देख तू भी स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो पेट्रोल दोनों का जाया होता है तो दोनों साथ में करते हैं स्ट्रगल। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टुगेदर। जीतू जी आपने इंडस्ट्री के तकरीबन सब एक्टर्स के साथ काम किया है, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल थे, तो उन्होंने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए कि आप जब फिल्में करते थे आपके टाइम पे वो कौन सी हीरोइन थी जिसके चक्कर में हीरो बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के डेट देने को तैयार हो जाते थे। नहीं और ये सवाल ऐसा है मैं जिसका भी नाम लूंगा तो दूसरी जो आजकल मिलती हैं बोलेंगे अच्छा जैसे जीतू जी के बारे में फेमस है कि जीतू जी बहुत पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पे जाते हैं, तो आप सेट पे लेट पहुंच के जो दूसरे को एक्टर्स होते थे सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता था, कौन से एक्टर थे या एक्ट्रेस थी? नहीं मैंने बहुत सारी फिल्में मेरी मद्रास में की हैं। अच्छा जी। और मद्रास था एक आपको वहाँ के जो 2 बहुत बड़े सुपरस्टार थे ए नागेश्वर राव एंटी रामा राव जी, ये वहाँ के कल्ट मतलब आइकॉन्स एकदम एंड तक। 65 साल की उम्र में भी गाने गा के ऐसे करते थे लोग, पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट। बट उनमें एक बात थी, दे वर वेरी पंक्चुअल। जैसे एंटी रामा राव कृष्ण भगवान का रोल कर रहे हैं तो पूरा नीला बनना पड़ता है, तो ही यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 बजे सुबह उठ के अपना योगा वोगा करके खाना वाना खा के 5 बजे सेट पे, मतलब मेकअप में 2 घंटे मेकअप में 7 बजे ऑन द डॉट। आप बताइए कौन सा माई का लाल है जब इतना बड़ा सुपरस्टार टाइम पे पहुंच रहा है कि कोई लेट पहुंच सके। क्या बात है, क्या सब टाइम पे। अच्छा जीतू जी वो एक्टर जो सेट पे मेल से ज्यादा फीमेल को स्टार्स के साथ ज्यादा रहना पसंद करता था ये शादी से पहले की बात है नेचुरली, अभी तो यही बोल जीतू जी वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो सेट पे हमेशा अपनी मम्मी के साथ आती थी और हीरो का काम बिगाड़ती थी सभी मम्मी को लेके आती थी, सभी मम्मी के साथ आती थी। और मेल एक्टर कभी नहीं जाते थे पापा को लेके। नहीं मेल एक्टर के जो कार्यकर्ता होते थे जी वो मम्मी को संभालते थे अच्छा ऐसे कौन से एक्टर थे जीतू जी जो रियल लाइफ में इतनी कॉमेडी करते थे कि उनके साथ शॉट देना मुश्किल हो जाता था? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि भाईजान महमूद साहब कॉमेडियन तो थे ही, बट ही वाज अ जीनियस, ही वाज ट्रिमेंडस। अभी एक शॉट में मैं और अरुणा ईरानी ऐसे खड़े हैं और पीछे दरवाज़ा है साइड में, और मैं ऐसे देख के मुझे हंसना है, मुझे हंसी नहीं आ रही, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डायलॉग बोलते बोलते फिर हंसना नहीं हंसी आ रही, मैं क्या करूँ सोचा। तुम भाईजान आए, तू ये काम कर, जब तेरा हंसने का सब शॉट आएगा ना बात करते करते, तू वो दरवाजे पे देखना, मेरे को देखना बस। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं अरुणा के साथ ऐसे डायलॉग बोलते बोलते हंसने वाला हंसना देखा, भाईजान पैंट उतार के खड़े। फिर बनते को के इतना हंसा, वो हंसी रोक नहीं रही थी। How nice. अच्छा, कौन सा वो एक्टर था या एक्ट्रेस थी जिनको सबसे ज्यादा पार्टी करने का शौक था? जिनको नहीं, हमारे पूरे ग्रुप में सबको शौक था। अच्छा जी, कई तो ऐसे भी थे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पीते पीते फिर खाना लग गया, खाना खाया, फिर थोड़ी पी, फिर भूख लग गई, फिर खाना खा लिया। बट इट वॉज फन। जेलिसी जैसी चीज बहुत कम थी। लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर वॉज लाइक एनीथिंग। मतलब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बैठना, वी वर लाइक अ फैमिली। जितनी हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे कि कहाँ की हैं, कौन से मौके की हैं, फंक्शन की हैं। दिखाइए जरा प्लीज। जी, तो ये पिक्चर है, आपको क्राउन पहना रही हैं रेखा जी हैं और शबाना। और शबाना जी, ये कब कहाँ की पिक्चर है जीतू जी? एक ही रास्ता आई थी यार। अच्छा जी, रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के यार। अच्छा जी, क्यों पहना रही है आपको क्राउन? गाने का सीन है, गाने। अच्छा, गोकुल की गलियों का दैट सॉन्ग ना। ओके, नेक्स्ट। सर, ये कितने सारे बच्चे? रीना जी हैं, वो ऋतिक भी है। सबसे पहले वो देखिए ऋतिक रोशन है, वो ऋतिक है। मेरे घर में क्या होता था, एकता ऑल्सो वॉज वेरी गुड डांसर, दो शी वॉज वेरी फैट बट वेरी गुड डांसर। तो मेरे घर में पार्टी कंपटीशन, डांस कंपटीशन। अच्छा। और ऋतिक वो भी बहुत अच्छा डांसर, वो बचपन से ही, उसको प्राइज देना पड़ता था। तो प्राइज दूं तो ये बाप मेरा, घर मेरा, बच्चे मेरा, प्राइज। नेक्स्ट। ये कौन है? जीतू जी के बचपन की पिक्चर है। रियली? ये मेरा लक्कू है और ये मेरे बेटे की बचपन की। एक मैं हूँ, एक ओह माय गॉड डिट्टो दादा पोता दोनों। अच्छा, वाओ, सो स्वीट। नेक्स्ट। जीतू जी, ये कब की पिक्चर है? गुलजार राखी की शादी पे हम दोनों। अच्छा, गुलजार साहब की शादी पे, वाओ। नेक्स्ट। ये मेरी फैमिली है, ये बड़े हो गए बच्चे हैं। दिस वाज अ शूट फॉर अ मैगजीन कॉल्ड जी। एक मैगजीन हुआ करता था, जी मैगजीन। ओके, उसकी मतलब एक फीचर था जिसके लिए शूट हो रहा था। बड़ी अच्छी पिक्चर है सर। और ये हमारा ग्रुप देखिए, न्यू ईयर्स ईव। वाओ, आप हैं, राकेश रोशन साहब है, ऋषि कपूर जी हैं, नीतू जी हैं। लास्ट में कौन है? सुजीत कुमार है, प्रेम चोपड़ा पीछे है। हाँ, ऊपर लिखा हुआ आराम, नीचे सब एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट। ओ, ये मेरे कोर ग्रुप है। योर बर्थडे आई थिंक, मेरे 75th बर्थडे। क्या बात। सर, ये एंजॉय हो रहा है, ये काम पे लगे हुए हैं ना सब। कितनी कंसंट्रेशन के साथ लगे हुए हैं। वेरी नाइस। अर्चना जी, इतनी कशिश है मुझ में, कहा है मेरे दिल ने कि बड़े बड़े स्टार भी आ जाते हैं चंदू से मिलने। जीतू सर, पाए लागू, कैसे सर? हेलो सर, कैसे हैं? ये क्या तूने लाइन बोली, तेरी कशिश में? तू बड़ी उमराव जान है, तेरी कशिश में आ जाएंगे। कितनी बार बोला ऐसे शब्द मत बोला कर। तू बोला कर खारिश, गमौरियां वगैरह, ये सूट करते हैं। इधर आप कॉमेडी शो चलाते हैं कि शाही दवाखाना चलाते हैं? इतनी बीमारियों की नॉलेज है, शाही दवाखाना ही खोल लो। जीतू सर बड़ा तंग करेगा, आओ इधर मेरे लाउंज में बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? लाउंज में। क्या होता है वो? यहाँ बैठकर लंच करते हैं। पहली बात तो होता है लाउंज, ठीक है। अच्छा। और जहाँ लंच करते हैं वो लाउंज, मतलब तो जहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं वो बाउंज। कुछ भी, जहाँ डिनर करते हैं वो डाउंज। भाई, आप रोहित शेट्टी इतने अच्छे फ्रेंड हैं आपके, इतनी गाड़ियाँ उड़ाते हैं फिल्मों में, इसको चढ़ाओ ना एक गाड़ी इसके ऊपर बोल के। ऐसे कैसे चढ़ाओ? जीतू सर, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह अमृतसर से मुंबई तक अपना पैशन फॉलो करता करता आया हूँ सर। हाँ, तो आप तो पैशन फॉलो करते आए थे ना सर। ये क्या अमृतसर में ठंड बड़ी पड़ती है, इसके पास गर्म कपड़े थे नहीं, तो इसके एक रिलेटिव थे वो लुधियाना में सीनियर भिखारी थे, तो वो मुंबई आ रहे थे तो उनके कम्बल में घुस के ये आ गया। बाकी कोई पैशन वैशन कोई नहीं फॉलो कर, झूठ बोल। बस कपूर शर्मा, बस शब्दों की मर्यादा तुम लांग चुके हो, और जहां तुम मर्यादा लांग जाओ वहां फिर गांठ पड़ जाती है, और जब रिश्तों में गांठ पड़ जाए उन रिश्तों के स्वेटर नहीं बन सकते। जीतू सर, आप प्लीज एकता मैम को बोलकर मेरा कोई सीरियल लॉन्च करवा दें, छोटा सा रोल, चाहे मेरे को लीड दे दे, मैं कोई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने नागिन पे तो एक सीरियल बनाया है, पर नेवले पे मुझे लगता नहीं बनाएंगे। व्हाट एन आइडिया कपूर शर्मा, नेवले पे सीरियल बन जाए तो कमाल हो जाएगा। देखो टाइटल बड़े कमाल कमाल के होंगे, नेवला घर घर का। नहीं देख लो सर, ये कभी नेवला, कभी एक बार कॉलेज के प्ले में ये बिल्ली बना और चूहे से डर के भाग गया। कपूर शर्मा, इतिहास गवाह है कि पत्थर उन्हीं पेड़ों को पड़ते हैं जिनके फल पके होते हैं। पत्थर उन्हीं को पड़ते हैं जिनके फल पके होते हैं, और जिनसे लोग पके होते हैं उनको ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। चलो निकलो, बहुत तंग कर दिया तुमने। ऐसे कैसे निकलो? तुषार सर देखो, आपको तो पता ही है कि तेरी मेहरबानियां में, हम आपके हैं कौन में, कुत्तों ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं फिल्मों में, तो मैं चाहता हूं सर कुत्तों में भी कुछ सीरियल बन जाए। देखो टाइटल भी बड़े अच्छे अच्छे सोच रही है मैंने, जैसे कहानी कुत्ता कुतिया की, कुत्ते वाले कुतिया ले जाएंगे। तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ रेडी है। सो कहानी शुरू होती है, एक कुत्ता है शेरू, वो फुटपाथ पे लेटा हुआ है, अपनी जिंदगी में बहुत तनहा है। वो इतना तनहा है कि उसकी जिंदगी में ना कोई खंबा है ना कोई टायर, वो जाए तो जाए कहाँ पे। ओए, ये तो तेरी कहानी है, अपनी कहानी सुना रहा है। कपूर शर्मा, डोंट इंटरप्ट व्हाइल आई एम नरेटिंग माय स्टोरी। ओहो वाह, नहीं तो मेरा कुत्ता तुम्हें काट भी सकता है। तो सर ये है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, खतरनाक ठंड पड़ रही है, लेकिन शेरू को ठंड महसूस नहीं हो रही। क्योंकि अर्चना जी, जेतु सर, जो इंसान होते हैं ना वो ज़्यादा महसूस करते हैं ठंड, जो कुत्ते होते हैं वो ठंड महसूस नहीं ज़्यादा करते। मान लो इंसान जो है वो छींक मारता ठंड में ना, तो आधा आधा घंटा होश नहीं आती। यार बाद में शूट करेंगे, अभी थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करते हैं। लेकिन कुत्ते नहीं सर महसूस करते, कुत्ते तो चलते चलते छींक मारते हैं। सर कहानी पे आते हैं। तो कुत्ता ऐसे बैठा हुआ है मिस्टर बजाज के बंगलों के गेट के आगे, ऐसे करके बैठा हुआ है। अचानक गेट खुलता है सर, गेट में से चंपा बाहर आती है। चंपा कौन? चंपा यार शेरू का क्रश। अच्छा, जैसे शेरू चंपा को देखता है, फिर चंपा शेरू की आंखों में आंखें डालकर देखती है। ऐसे देखती है। शेरू चंपा की आंखों में आंखें डालकर देखता है, फिर शेरू शाहरुख खान स्टाइल में चंपा को प्रपोज करता है। चंपा भोला सा चेहरा बनाकर उसके सामने खड़ी है, और मिस्टर बजाज इतने में आते हैं, तो पीछे से जोर से डंडा मारते हैं शेरू को। शेरू जैसे ही घूम कर देखता है मिस्टर बजाज की तरफ, फिर मिस्टर बजाज को ऐसे से आ गया। मिस्टर बजाज सोच रहे हैं मैं इसको डंडा मार रहा हूँ, ये मुझे प्यार कर रहा है। अचानक सोचते सोचते उनका ध्यान पड़ जाता है शेरू के कान के नीचे। कहते ये तिल तो मेरे पुराने कुत्ते रॉकी का कान के नीचे था। फिर उनको याद आता है, ओहो हमारा कुत्ता रॉकी मरा नहीं था, उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो बच गया था, लोगों ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी। oh God! और ये शेरू रॉकी है। फिर वो उनको प्यार से अपने घर ले जाता, फिर वो चारों खुशी खुशी रहते हैं। सर कैसी लगी कहानी आपको? चंपा का तूने बताया नहीं, उसका क्या हुआ? और चंपा साथ में, क्या आप घर जाकर करेंगे जो करना है उन्होंने। जितना तूने आज कुत्ता कुत्ता किया ना, मेरे को लग रहा है तू घर भी चार पैरों पे जाएगा आज। मैं आपको बताऊं कपूर शर्मा, हाँ, एक ना एक दिन कुत्ते का दिन जरूर आता है और देखना कुत्तों का सीरियल जरूर बनेगा। सो मिलेंगे 100वें एपिसोड में। सर प्लीज एकता मैम को मेरी रिक्वेस्ट कर देना, मेरा सीरियल पास करवा देना। थैंक यू सर, जा रहा है चंदू और मिलेंगे 100वें एपिसोड में। एक बार जीतू जी के लिए और तुषार भाई के लिए जोरदार तालियां। आइए जीतू जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लव यू सर, लव यू सर, लव यू, थैंक यू तुषार भाई, थैंक यू, थैंक यू। और अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का। आइए अर्चना जी, आप भी यार, आप लोग आपको बड़ी अच्छी लेते हैं सेल्फी। थैंक यू तुषार, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी, थैंक यू तुषार भाई, थैंक यू अर्चना जी। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर, थैंक यू, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.